अगर आप एक बॉलर हो तो आपको एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि भी मैच में विकेट मिलनी चाहिए, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे एक छोटे से फीचर वैगन व्हील के बारे में बात करूंगा कि इसका इंपैक्ट आपके गेम में कितना ज्यादा आ सकता है और आपको मैच में विकेट के चांसेस कितने ज्यादा ये इंक्रीज कर सकता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं क्रिक इनसाइट्स। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे जो ग्राफ आप देख रहे हो इस बैट्समैन के बारे में, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये एक ओपनिंग बैट्समैन है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो इसका ग्राफ हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, अब मैं सबसे पहले अगर मैं एक बॉलर हूं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि भाई ये बैट्समैन क्या ये 360 डिग्री प्लेयर है, यानी कि ग्राउंड के हर एक एरिया में ये शॉट मार सकता है कि नहीं। उसके लिए जो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस होता है उसके लिए मैं सिंगल्स और फोर देखता हूं। तो यहां पे मैं सिंगल पे जब भी क्लिक करूंगा तो यहां पे ये ग्राफ आपको दिखा रहा होगा कि भाई इस बैट्समैन ने हर एक एरिया में सिंगल्स लिए हुए हैं, तो क्या उसने वहां पे फोर भी कन्वर्ट किए हैं कि नहीं, वो भी चेकआउट करते हैं। तो मैं फोर पे क्लिक करता हूं, यहां पे आप देख पा रहे होंगे भाई इस बैट्समैन ने सभी जगह फोर मारा है। तो यहां पे दो बातें साफ हो गई कि भाई ये बैट्समैन 360 डिग्री प्लेयर है मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से, और यहां पे साथ ही साथ ये चीज भी है कि भाई वो बैट्समैन नीचे काफी अच्छा खेलता है। तो अब यहां पे सिक्सेस भी देख लेते हैं कि यहां पे कहां पे मारे हैं उसने। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि भाई 60% सिक्सेस लॉन्ग ऑन के एरिया में मारे और 23% मिड विकेट के एरिया में मारे हैं यहाँ पे, तो मतलब ज्यादा छक्के यहाँ पे मारे हैं। तो अब देख लेते हैं कि कहाँ पे अब ये बैट्समैन ज्यादा आउट होता है। तो अगर आप देख पाएंगे भाई स्लिप में, गली में, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर में ये बैट्समैन ज्यादा बार आउट हुआ है, और मिड विकेट और यहाँ पे लॉन्ग ऑन के एरिया में दो दो बार आउट हुआ है। तो इसका मतलब साफ हो गया, यहाँ पे आपने सिक्सेस का ग्राफ तो देख लिया है। तो भाई एक बॉल तो आपको नहीं ही डालनी है, वो है मिडल लेग पे, आप जरूर बॉलिंग नहीं कर सकते वरना पैर निकल के स्टैंड में बॉल जाएगा, ये चीज है। लेकिन अब यहाँ पे बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये भी देखूंगा कि मान लो मैं बॉलिंग कर रहा हूं और अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही, तो भाई कंट्रोल नहीं है बॉल के ऊपर, तो मैं एक फील्डर जरूर रखूंगा लॉन्ग रन के ऊपर ताकि एक बैकअप वहां पे जरूर हो। तो ये भी आप इंप्रूव कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो। लेकिन अगर मेरे को विकेट के लिए जाना है तो मैं क्या सोचूंगा कि मान लो कि भाई इसको मैं आउट स्विंग करूं या फिर एंगल बना के बाहर बॉलिंग करूं या फिर फोर स्टंप फिफ्थ स्टंप पे बॉलिंग करूं या फिर आउट स्विंग भी आप ट्राई कर सकते हो। तो यानी कि अब यहां पे मान लो कि भाई आपने एनालिसिस कर लिया कि इस बैट्समैन को आप ऐसे आउट करोगे, आपने प्लानिंग कर ली, आपको पता है कहां पे बॉलिंग करनी है इस बैट्समैन को। मान लो आपने वहां पे बॉलिंग कर भी दी, एनालिसिस भी कर दिया, वहां पे चांस भी क्रिएट हो गया उस बैट्समैन ने, वहां पे कैच भी दे दिया लेकिन कैच छूट गया। अब उसके बाद क्या होता है ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में चल ही रहा होगा क्या होता है। तो अब यहां पे अब आपकी गलती है या फिर जो फील्डर है उसकी गलती है, अब यहां पे गलती आपकी है। क्यों? देखो अब हम लोग लोकल मैचेस खेलते हैं तो हमको क्लियर पता होता है कि हमारी टीम में ये 7 फील्डर है, ये बहुत अच्छे हैं, ये कैच नहीं छोड़ते, बाकी 4 फील्डर है ये सेफ है, कैच पकड़ भी लेते हैं छोड़ भी देते हैं। तो अब यहां पे आपने प्लानिंग कर ली कि भी गली में, स्लिप में, पॉइंट कवर में यहां पे अच्छे फील्डर्स आपको चाहिए और एक लॉन्ग ऑन पे अच्छा फील्डर चाहिए, तो वहां पे आपको बेस्ट फील्डर रखने ताकि आपके माइंड में हो कि वहां पे कैच आएगा तो ये लोग पकड़ ही लेंगे और आपके अकाउंट में एक विकेट ऐड हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझनी है। अब इससे हुआ क्या, देखो आपने सिर्फ आउट करना नहीं सीखा, अब आपने यहां पे क्या सीखा कि भी फील्ड के हिसाब से आप बॉलिंग करना सीख रहे हो, और ये बहुत ही बड़ा स्किल है, आपको पता ही होगा कि ये सीखने में कितना टाइम लगता है और ये आप काफी जल्दी सीख सकते हो। कि भाई अब आप बोलोगे भाई मैच तो हम एक वीक में एक ही खेलते हैं, चलो मान ली बात, लेकिन आपने काफ़ी सारे प्लेयर्स है ये जो ऐप यूज़ करते हैं, तो उसका आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके वहाँ पे हम लोग पता है खेलते हैं कि भाई इतने बॉल में इतने रन और यहाँ पे ये फील्ड सेटअप है, कौन रखते हैं नेट्स के अंदर, तो वैसा अगर आप करते हो तो यहाँ पे उसका ग्राफ भी एनालिसिस कर सकते हो, वहाँ पे आप बॉलिंग करके उस बैट्समैन को आउट करने का चांसेस आप बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, वहाँ पे बॉलिंग करो, वहाँ से विकेट लेने का ट्राई करो, क्या पता जल्दी विकेट मिल रही है नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस के अंदर ला सकते हो। तो ये बहुत बड़ा स्किल है कि आपने एक तो गेम बनाना सीखा, बॉलिंग फील्ड के हिसाब से करनी सीखी, और सबसे बड़ी बात अब ऐसा भी होगा कि भी जैसे-जैसे आप ग्राफ एनालिसिस करते जाओगे प्लेयर्स के, जो भी आपके मैचेस आ रहे हैं, कल किसी का मैच हो तो उसका ग्राफ भी आप एनालिसिस कर सकते हो, टॉप 5 बैट्समैन या फिर पूरी टीम का चाहो तो पूरी टीम का भी आप ग्राफ देख सकते हो, इस बैट्समैन को मैं यहां पे बॉलिंग करूंगा, तो ये चीजें आप कर सकते हो। तो ये चीजें का इंपैक्ट बहुत ज्यादा आता है। तो अब यहां पे आपने अब होता क्या है कि भी ग्राउंड में जाओगे तो जरूरी है कि ये सारी चीजें हर बार क्लिक हो जाएगी, हो सकता है 10 में से 7 बार क्लिक हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि ग्राउंड के अंदर जाने के बाद आपका दिमाग चलने लगेगा, फिर आपके अंदर ही एक वैगन व्हील घूमेगा और आपको पता होगा कि ये बैट्समैन यहाँ यहाँ पे खेलता है, तो ये फील्ड सेटअप करके आप यहाँ पे आउट कर सकते हो, तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। तो ये तीनों स्किल बहुत ही बड़े हैं जो आप प्रैक्टिस में ला सकते हो इस वैगन व्हील के फीचर को चेकआउट करने के बाद, तो आप जरूर एनालिसिस करो। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।